मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज मैथ के फर्स्ट क्लास में आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं। आप लोग हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति में सबसे पहले जानेंगे संख्या। संख्या को जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि संख्या किन अंकों से मिलकर बनी होती है और कुल टोटल कितनी संख्याएं होती है। तो संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं को प्रयोग करके हम छोटी या बड़ी संख्या बना सकते हैं। और ये आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल कुल संख्या हो जाएंगी 10। संख्या पद्धति में संख्या के बारे में जानेंगे और संख्या के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है। किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5, 7, 8, 9, 6, 3 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ये नोट कर दीजिए। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले 8 का स्थानीय मान देखेंगे तो हम इकाई अंकों से शुरू करेंगे कि देखेंगे कि 8 हमारा किन संख्याओं के नंबर पे है, कितने संख्याओं के नंबर पे है। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको यहाँ से इकाई अंक से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये हजारवें स्थान पे है। तो सबसे पहले 8 लिखेंगे और जितने स्थान पे होता है उतनी ही संख्याओं से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे कि ये 1000 स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 8 का इन संख्याओं में 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि स्थानीय मान के बाद हम देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जातीय मान आता है। जातीय मान कैसे पता करेंगे, जातीय मान का परिभाषा भी जान लीजिए थोड़ा सा आप लोग। जातीय मान क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जात नहीं बदलता है, चाहे वो जिस स्थान पे हो, ऐसे संख्या में किस भी स्थान पे हो उसका कोई जात नहीं बदलता है। यानी किसी भी संख्या का स्थान चाहे जिस स्थान पे हो, चाहे जिस स्थान पे हो, तब भी उसका जातीय मान नहीं बदलता। जैसे यही संख्या दोबारा हम लेते हैं 5, 7, 8, 9, 6, 3 में 8 का जातीय मान
अब 8 का जातीय मान निकालना है। अभी हम देखेंगे यहाँ 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। क्यों? अभी परिभाषा में लिखवाए थे किसी भी संख्या का स्थान चाहे जिस स्थान पे हो तब भी उसका जातीय मान नहीं बदलता। तो अभी हम कह रहे थे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं शारदा के यूट्यूब चैनल पे, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे हैं तो हमारा जो जात है वही रहेगा, और हम कहीं पे और जाए पढ़ाएं तो अब भी हमारा वही जात रहेगा, बदलेगा नहीं। इसीलिए हम यहाँ से इस एग्जांपल से ये कह सकते हैं कि चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जिस स्थान पर हो, उसका जातीय मान नहीं बदलता, स्थानीय मान बदल जाता है। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो इस समय देख रहे हैं कि हम कम्पिटेटिव लेवल के मैथमेटिक्स के टीचर हैं और कहीं दूसरे जगह पे जाएं, कुछ दूसरा काम करें तो वहाँ पे हमारा स्थान चेंज हो जाता है। तो इससे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारा जो स्थान चेंज हो जाता है तो हम वहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम कम्पिटेटिव मैथ के टीचर नहीं रह जाते हैं, यानी हमारा स्थान वहाँ चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ में उस चीज़ को हम स्थानीय मान कहेंगे। तो स्थानीय मान और जातीय मान में हम दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझा चुके हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे है नेक्स्ट टॉपिक कि कौन सी इसका परिभाषा रूल कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं में अनेक प्रकार के जो होते हैं उसका आपको परिभाषा जानना जरूरी है, उससे आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। परिभाषा आपका क्लियर रहता है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह हो तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति में, आगे हम चलेंगे तो इन टॉपिकों के बाद हमारा आता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या को हम जानने के लिए सबसे पहले इस परिभाषा को लिखेंगे। इसको हम अंकों और हिंदी के रूप में इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको समुच्चय के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर, इसको इस तरह हम कह सकते हैं। और आगे इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम कैसे जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। सेम से मिलता जुलता परिभाषा है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसको कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट कह सकते हैं। आगे ये हमारा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या यहाँ से खत्म हो रहा है। आगे हम चलेंगे तो और सारे संख्याओं के बारे में है, उसको हम विस्तार से समझाएंगे आप लोगों को के बारे में। सम संख्या क्या होता है के बारे में हम जानेंगे। सम संख्या का परिभाषा क्या है, किसी अन्य संख्या से
विभाज्य ना हो, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इसको समुच्चय के रूप में कह सकते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगला है नेक्स्ट संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्या जो दो के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से कटे, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। समुच्चय के रूप में जैसे इसको हम लिखेंगे, समुच्चय के रूप में इसको हम लिखेंगे, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह डॉट 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 इनफाइनाइट। आगे है आपका भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो दो के अलावा, ऐसी संख्या जो किन्हीं दो संख्याओं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे, 4, 6, 4, 6, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कैसे जानेंगे कि हमारा ये संख्या भाज्य संख्या है, ये हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। 4 देखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। अभी हम परिभाषा में लिखवाए थे कि ऐसी संख्या जो किन्हीं दो संख्याओं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से भी कटे। देखिए 4 आपका 1 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है और 4 से कट जा रहा है, यानी कम से कम 3 संख्याओं से कटे तो संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी। ठीक है, जैसे 4 को हम दिखाए यहाँ पे, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम संख्याओं के बारे में बताएंगे, वो है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे कि परिभाषा इसका क्या है। ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से कटे,
ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से कटे, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। समुच्चय के रूप में ऐसे इसको जैसे लिख सकते हैं, जैसे दो लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है दो है, तीन है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब कैसे जैसे कटता है ऐसे आगे संख्याएं जो लिखी गई है वो आपका एक और स्वयं से कट रही है, इसलिए इन संख्याओं को आप अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इस यहाँ से टॉपिक को हम अब आज के दिन हम समाप्त कर रहे हैं। संख्याओं के बारे में हम बताएंगे, अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो कह सकते हैं p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक कंडीशन यहां से बनता है q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का मान जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब अगला हम संख्याओं के बारे में बताएंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या, सॉरी इसमें एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे एक बटे दो, दो बटे तीन इत्यादि। आप परिमेय संख्या के बारे में देखिए, आप लोग ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दो है, तीन है, जैसे जीरो है, इनफाइनाइट। इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि संख्याओं के बारे में सब परिभाषा हम बता चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम एक संख्या रेखा पे दर्शाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि संख्या रेखा कैसे आपका किस दिशा से किस दिशा में होता है। संख्या रेखा को हम इसको एक्स अक्ष मानते हैं और इसको एक्स डैश मानते हैं। देखते हैं ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। यहाँ पे कहीं मध्य पॉइंट जीरो रखते हैं और यहाँ से चलते हैं तो देखते हैं इधर हम जो भी संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं आपका धन दिशा में होती हैं। और बाई ओर जब चलते हैं तो
तो ऋण दिशाओं में होती है। अब देखते हैं शून्य जीरो को हम मध्य संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर जीरो को मध्य संख्या कहते हैं। उसके हम बाई ओर जब जाते हैं, दाएं से बाई से दाई ओर जाते हैं, तो जो भी संख्याएं मिलती हैं वो धन संख्याएं मिलती हैं, धन पूर्णांक जिसे बोलते हैं। धन पूर्णांक की परिभाषा लिख लीजिए, ऐसी संख्या जो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो, प्लस से धन पूर्णांक कहेंगे, धन पूर्णांक कहते हैं। आगे परिभाषा आपका है ऋण पूर्णांक, ऐसी संख्या जो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ऋण पूर्णांक कहते हैं। पे मैं अपना टॉपिक इस समय बंद कर रहा हूं, और अगले दिन नेक्स्ट संख्याओं के बारे में मैं आप लोगों को फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब करें। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आप लोगों से मिलते रहेंगे।